नमस्कार दोस्तों, हॉकफीड न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर जो आ रही है वो खबर है कांग्रेस के एक और घोटाले को लेकर। जी हां, कांग्रेस पार्टी का घोटालों से भरा हुआ इतिहास रहा है। ए टू जेड कांग्रेस पार्टी ने घोटाले किए हैं, यानी ए से लेकर जेड तक के घोटाले किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। और देश का देश की जनता का जितना पैसा कांग्रेस ने लूटा उतना शायद किसी सरकार ने और किसी भी पार्टी ने आज तक नहीं लूटा। और अब ऐसे ही एक और घोटाले का पर्दाफाश हो गया है। दोस्तों पूरी खबर आपको बताऊंगा, आपको बताता हूं कि 170 करोड़ रुपए का यह घोटाला है। पूरी खबर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कांग्रेस के बारे में आपकी क्या राय है वो दोस्तों अभी के अभी हमें कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएं। दोस्तों आपको बता दूं कि इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो खबर है कांग्रेस के 170 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि पीएम मोदी ने, जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो 2014 से पहले उन्होंने एक भाषण दिया था और उसमें उन्होंने ये कहा था, एक बयान दिया था, और उस बयान में उन्होंने ये साफ कहा था कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा। उस वक्त विपक्षी पार्टियों को, खासकर कांग्रेस को, यह लगा था कि यह महज ऐसा ही एक बयान है और इस पर जो सरकार है मोदी सरकार वो सख्त नहीं होगी। इस बयान को उन्होंने आया जाया सा कर दिया, लेकिन जब उन्हें हकीकत पता लगी, जब मोदी सरकार सत्ता में आई, तो 2014 से लेकर अब तक मोदी सरकार ने देश के जो घोटालेबाज हैं, जिन्होंने देश की जनता का पैसा लूटा, उनको अब तिहाड़ की हवा खिलाई जा रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि पी चिदंबरम, डीके शिव कुमार के बारे में आपको मालूम हो कि इनकी बेटी के पास जो है वो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति मौजूद है। इसके अलावा चिदंबरम साहब तो आपको पता ही है, चिदंबरम साहब भी इस वक्त जो है वो तिहाड़ जेल में है और जमानत याचिकाएं लगातार लग रही हैं उनकी, लेकिन बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। चिदंबरम साहब ने यह भी कहा था कि क्या मैं कोई रंगा बिल्ला हूं जो मुझे इस तरीके से अंदर डाला जा रहा है। नहीं जनाब, आप देश के पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, आप रंगा बिल्ला नहीं है। लेकिन आपने देश की जनता का पैसा जिस तरीके से लूटा वो किसी अपराध से कम नहीं है। तो अब देश के जो ऐसे घोटालेबाज हैं जिन्होंने देश की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा, लूटने का काम किया, अपनी घर की तिजोरियां भरी, अब उन पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और ये काम कर रही है मोदी सरकार। ऐसा ही एक और घोटाला कांग्रेस का सामने आ गया है और इस पर अब आयकर विभाग का नोटिस कांग्रेस पार्टी को जारी कर दिया गया है। जी हां, यानी पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो इस घोटाले में सम्मिलित है। आपको बता दूं कि दरअसल आयकर विभाग की तरफ से देश की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नोटिस जारी किया गया है। कांग्रेस पार्टी को यह नोटिस राजनीतिक चंदे को लेकर जारी किया गया है। दरअसल 2 दिसंबर को यह नोटिस भेजा गया है कांग्रेस पार्टी को और इसमें हैदराबाद की एक कंपनी द्वारा भेजे गए पैसों का हिसाब न देने को लेकर आयकर विभाग ने यह नोटिस भेजा है। आपको बता दूं कि हैदराबाद की एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से जुड़े हुए पैसों का लेन देन का यह मामला है और यह कहा जा रहा है आयकर विभाग की तरफ से, यह कहा गया है कि दरअसल हैदराबाद की एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने कांग्रेस पार्टी को 170 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। 4 नवंबर को इससे पहले आयकर विभाग ने नोटिस जारी किया था और कांग्रेस पार्टी से इस मामले में जवाब मांगा था। आपको बता दूं कि कांग्रेस ने इस चंदे का कोई हिसाब किताब नहीं दिया और जब हिसाब किताब नहीं दिया गया, मांगने के बाद भी हिसाब किताब नहीं दिया गया, तो आखिर आयकर विभाग को नोटिस जारी करना पड़ा है। तो ये है कांग्रेस के काले कारनामे। दोस्तों आपको ये बताऊंगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई हो रही है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि कांग्रेस ने अब तक जवाहरलाल नेहरू की सरकार से लेकर अब तक जितनी भी सरकारें कांग्रेस में रहीं, लगातार घोटाले हुए। कभी आप 2G स्कैम सुन लेते थे, कभी 3G स्कैम सुन लेते थे, कभी बोफोर्स दलाली, बोफोर्स घोटाला, जीप घोटाला, मतलब एक घोटाला नहीं किया इन्होंने देश की जनता के साथ, घोटालों का अंबार लगाकर रख दिया। गरीब का जो पैसा था, जो गरीब के पास पहुंचना चाहिए था, वो गरीब के पास नहीं पहुंचा, गरीब जनता तक नहीं पहुंचा। उस पैसे से अपने घर की तिजोरियां भरी गई, उस पैसे से विदेश में प्रॉपर्टियां खरीद गई और उस पैसे को स्विस बैंक में ट्रांसफर कर दिया गया। लगातार इस तरीके की घटनाएं हुई और देश की जनता ने जब इससे जवाब मांगना चाहा तो देश की जनता को कोई जवाब तक नहीं दिया गया। फाइनली हुआ क्या? फाइनली हुआ ये कि देश की जनता ने आपसे आजिज आकर, आपसे परेशान होकर आपको सत्ता से बेदखल कर दिया और इस कदर सत्ता से बेदखल कर दिया कि आज आप किसी भी राज्य में, भारत के
कुछ राज्य हैं जहां आपकी सरकारें चल रही हैं, नहीं तो देश की जनता ने आपको सत्ता से बिल्कुल बेदखल कर दिया है और ये आपके कुकर्मों का नतीजा है, आपकी जो विचारधारा है उसका नतीजा है, जो देश विरोधी विचारधारा है ये उसका नतीजा है। आपको बता दें कि जो बात हमारे सामने आ रही है, जो इस घोटाले में आयकर विभाग ने दरअसल बीते दिनों हैदराबाद की एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के यहाँ छापा मारा था और इसी में ये बात सामने आई थी कि कंपनी की तरफ से हवाला के जरिए कांग्रेस पार्टी को 170 करोड़ रुपए भेजे गए हैं और जिसको लेकर आयकर विभाग ने अब जांच जो है वो तेज कर दी है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि 4 नवंबर को इस मामले में नोटिस भेजा गया था कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस मामले में आयकर विभाग के सामने कोई भी पेश नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। और आपको बता दूं कि अब इस मामले को लेकर आयकर विभाग ने अपनी जांच जो है वो तेज कर दी है। इस फंड को सरकारी प्रोजेक्ट के हिसाब से अलग रखा गया है और इसकी बोगस बिलिंग तैयार कराई गई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जांच में यह भी बात सामने आई है कि कंपनी की ओर से जो बोगस बिल तैयार किए गए थे वो उन सरकारी प्रोजेक्ट से जुड़े थे जिनका सीधा संबंध जो है वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से था, यानी कंपनी ने पार्टी को ये चंदा देने के लिए बोगस बिल तैयार किए, पार्टी को एक तरफ 170 करोड़ रुपए का चंदा दे दिया गया और इन 170 करोड़ रुपए को दिखाने के लिए इनके एवज में बोगस बिल तैयार किए गए, यानी फर्जी बिलिंग की गई, फर्जी बिलिंग तैयार की गई और इसके बाद इस पैसे को सरकार कांग्रेस को दे दिया गया। लेकिन जब इस बाबत कांग्रेस से पूछा गया तो कांग्रेस की तरफ से इस चंदे को लेकर कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए, कोई सबूत पेश नहीं किए गए और 4 नवंबर को जब आयकर विभाग नोटिस भी भेज देता है उसके बाद भी कांग्रेस की तरफ से आयकर विभाग के सामने कोई प्रस्तुत नहीं होता है। इसके बाद अब कांग्रेस ने, आयकर विभाग ने कांग्रेस को एक बार फिर नोटिस जारी किया है और निश्चित तौर पर आप यकीन मानिए कि ये कांग्रेस की जो है मुश्किलें बढ़ा सकता है, सोनिया और राहुल इस पूरे मामले में फंस सकते हैं। आपको बता दें कि कंपनी के द्वारा कुछ दूसरी राजनीतिक पार्टियों को भी चंदा देने की बात की गई है और उसमें टीडीपी का नाम जो है वो अहम आ रहा है, टीडीपी का नाम भी जो है वो अहम सामने आ रहा है। टीडीपी पर भी ऐसा हो सकता है कि चंदे की जो रकम दी गई है उस पर भी जांच आयोजित की जा सकती है। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली ये टीडीपी पार्टी है और इसको 150 करोड़ रुपए की धनराशि भेजी गई थी और माना यह जा रहा है कि टीडीपी को ही एक ऐसा नोटिस भी जारी किया जाएगा। अब तक आयकर विभाग की तरफ से इस कंपनी द्वारा 3,000 करोड़ रुपए की फर्जी बिलिंग पाई गई है, तो यानी और भी जो बागड़ बिल्ले हैं वो भी इसमें नजर आने वाली हैं। कांग्रेस को 170 करोड़, टीडीपी को 150 करोड़ और भी जो देश विरोधी पार्टियां हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि देश हित में आप काम कर रही हैं ये पार्टियां, निश्चित तौर पर ये वो पार्टियां हैं जो देश हित से जुड़े हुए जो फैसले होते हैं उनमें टांग अड़ाने का काम करती हैं। कांग्रेस को ही आप देख लीजिए, चाहे फिर वो धारा 370 का मसला हो और अभी हाल फिलहाल में अमित शाह जिस तरीके से पूरे देश में एनआरसी लागू करने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को इसमें भी मिर्ची लग गई है और लग ऐसा रहा है जैसे जो घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं, बांग्लादेशी जो लोग हैं, वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के रिश्तेदार हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इन घुसपैठियों को लेकर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और कांग्रेस का यह कहना है कि इस पूरे मसले को जो है वो जो भारत की मोदी सरकार है वो मुस्लिमों को बाहर भगाना चाह रही है देश से। अरे जनाब, इसमें मुस्लिम और हिंदू कहां से आ गए? ये बात तो घुसपैठियों की है, जो घुसपैठी हमारे देश में घुसाए हैं ये बात उनकी है, तो अब इस पर मिर्ची क्यों लग रही है आपको? यानी देश विरोधी, मतलब देश हित में जो भी फैसला ले ले सरकार, चाहे जो भी हो, लेकिन उसका हमें विरोध करना है, उसमें टांग अड़ानी है और कहते हैं कि हम सांप्रदायिक रूप नहीं धारण करवाते, तो फिर ये सांप्रदायिकता की बात की किसने? इसको हिंदू मुस्लिमों में किसने बांटा? एनआरसी मतलब सीधे सीधे असम में लागू हो चुकी है। एनआरसी का मतलब यही है कि देश में जो घुसपैठिए हैं, जो कि बाहर से आकर बस गए देश में, या कहें कि इन्हें बसाया गया अपने वोट बैंक की खातिर, उनको बाहर खदेड़ने की बात है। बात जो है वो इतनी सी है, लेकिन उस पर भी हिंदू मुस्लिम करना है और वो करती है कांग्रेस। अधीर रंजन चौधरी का बयान आपको याद होगा, मोदी और शाह को घुसपैठिया तक बता दिया,
और जनाब ने उसके पीछे तर्क दे दिया कि ये तो गुजरात से आए हैं और दिल्ली में आकर राजनीति कर रहे हैं। तो ये इस तरीके के अहम फैसलों पर कांग्रेस हमेशा से तंग आती रहती है, लेकिन कांग्रेस के जो घोटाले हैं वो एक के बाद सामने आते रहते हैं। और आप सोचिए कि कांग्रेस की सरकार को गए हुए 6 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अब तक घोटालों का जो खुलासा है वो अब तक हो रहा है। तो सोचिए कि किस कदर इन्होंने देश की जनता का पैसा खाया होगा। और अब मामला जो है वो 170 करोड़ रुपए का है, और ये चंदा दिया गया हैदराबाद की एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की तरफ से। 3 इसके बोगस बिल तैयार किए गए, और सारा का सारा मामला जब आयकर विभाग के सामने आया तो आयकर विभाग ने कांग्रेस को नोटिस जारी कर दिया है। सवाल यह है कि कांग्रेस इस पर क्या बहाना बनाएगी और इस पर क्या जवाब देगी। क्या इसे भी यह कह दिया जाएगा कि यह भी फर्जी मामला है? क्या कह दिया जाएगा कि मोदी सरकार हमसे जो अपने जो है दुश्मनी निकाल रही है, क्योंकि इनका कहना यही होता है कि मोदी सरकार हमसे दुश्मनियां निकाल रही है और सरकारी एजेंसियां जो हैं वो सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। जैसे इनके राज में तो सरकारी एजेंसियां बिल्कुल सही काम कर रही थी, इनके राज में सीबीआई को तोता तक करार दे दिया गया था। तो दोस्तों, इस खबर को अधिक से अधिक हर भारतीय, हर हिंदुस्तानी तक जरूर पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कांग्रेस का एक और घोटाला पूरे देश के सामने आ सके। दोस्तों, फिलहाल इतना ही। हर खबर हम आप तक लेकर आते रहते हैं, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक जरूर करें। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।